कैथल के नगर थाना में शनिवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एसपी वरिंदर विज ने पुलिस के साथ सहयोग करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया। एसपी वरिंदर विज ने दो पहिया वाहन चालकों से हेलमेट का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने चालकों को वाहन चलाते समय मोबाइल के उपयोग से गुरेज करने की भी सलाह दी। एसपी वरिंदर विज ने कैथल में रेड लाइट की व्यवस्था शुरू होने के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने एक नंबर भी जारी किया जिस पर मोटर व्हीकल एक्ट की उल्लंघना के संबंध में शिकायत दर्ज की जा सकती है। आइए जरा एसपी वरिंदर विज की बात सुन लेते हैं। यही मेन पर्पस है हमारा कि जो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं, चाहे वो ड्राइवर है चाहे पीएम राइडर है, वो हेलमेट लगा के चलाएं। और एक जो बहुत ज़्यादा प्रचलन होता जा रहा है कि मोबाइल यूज़ कर, कि मोटरसाइकिल भी चला रहा है तो भी बाइक भी मोबाइल का यूज़ कर रहा है, कि जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो मेरी आपके थ्रू सबसे यही निवेदन है कि ये इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं वो ना करें, क्योंकि इससे जान माल का नुकसान तो होता ही होता है, आपको पैसे का भी नुकसान होगा। तो मेरा पत्रकार उपकरण में एक नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर है 9991 8999। ये सारे एक बार नोट भी कर लें और मैं चाहूँगा कि अखबार में भी जरूर दें इसको। इसमें सभी लोग जितने भी कैथल वासी है या बाहर का भी है, वो उसमें स्वतंत्र है कि किसी भी जो मोटर व्हीकल एक्ट के का प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है, चाहे वो पुलिस कर्मचारी क्यों ना हो, आप उसका फोटो खींच के हमारे उस नंबर पर भेजें, हम उसका चालान करेंगे। लेकिन ये कोशिश करें कि वो फोटो पुराना ना हो। नंबर मांगे सर पीछे 9961 8999 9961 8999। लेकिन इसका मिसयूज ना करें। मिसयूज कैसे, पुराने को फोटो कहीं से व्हाट्सएप से फॉरवर्ड मंगवाई और आगे भेज दी, ठीक है, वो काम ना करें। कि किसी से कोई झगड़ा हुआ है उसकी पुराने कोई फोटो कहीं से निकाल दो और व्हाट्सएप पे भेज दो, उससे जो मैसेज है गलत हो जाएगा। जो हमारा पर्पज है कि एक्सीडेंट को कम करें और जो डेथ रेट हमारा कम हो जाए, वो नहीं हो पाएगा उससे। तो मैं इस सब चीज की उम्मीद रखता हूँ कि इस नंबर का सबसे ज्यादा उपयोग करें। दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि रेड लाइट ठीक हो गई है चौक पर, आर एस ओ बंद हो, और मैं ऐसे तो ट्रैफिक को कहूँगा कि वहाँ आधा घंटा लगा के चेक करें कि उसके टाइमिंग्स में कितनी ठीक है कितना गलत है, किस साइड कितना टाइम होना चाहिए, कितना है और कितना कम ज़्यादा है, और हमें कितना कम ज़्यादा करना है। ट्विटर ही में देखता हुआ आ रहा था कि जब मैं उधर से इधर क्रॉस किया हूँ, इधर वालों की बहुत लंबी लाइन हो गई थी, मैं तो कुछ टाइमिंग पर उसमें फ़र्क है। उस टाइमिंग को चेक करें और जैसे रेक्टिफाई कराना हो उसको चेंज कर देंगे, ताकि जो रेड लाइट है वो प्रॉब्लम ना बने, वो सहूलियत के लिए, एक्सीडेंट बचाने के लिए। तो इन सब शब्दों के साथ कि आप हमें हमारा साथ ऐसे ही देते रहेंगे और हमारी हमारे को इस चीज़ में कामयाब करेंगे कि हम कैथल जिला में एक्सीडेंट का जो रेट है उसको कम कर पाए और जो उसमें डेथ रेट है उसको भी कम कर पाए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।